पटना के महत्वपूर्ण सड़क बेली रोड पर जो लोहिया चक्र का निर्माण किया जा रहा था उसका आप देखिए ये क्या हालत हुई है। कल शुक्रवार की रात से पटना में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से ये सड़क जो है पूरी तरह से धस गया है, आवागमन पूरी तरह से ठप है बेली रोड पे। लोहिया चक्र का निर्माण में कई तरह के अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, उसी की तरह से ये यहाँ पे जो सामने गड्ढा खोना गया था उसको लेके यहाँ पे कहना है अधिकारियों का कि इसमें पानी भर जाने की वजह से, पानी के कटाव की वजह से ये सड़क धस गई है। ये प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हुआ है, हालांकि इस मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। ये नेहरू पथ जिसको आज भी लोग बेली रोड कहते रहते हैं, ये बहुत पुरानी सड़क है। ये अंग्रेजों के जमाने से ही बनी हुई सड़क है, लगभग 100 साल पुरानी सड़क होगी। इसका चौड़ीकरण भी हुआ है, इसके ड्रेनेज का भी कवरेज हुआ है, सब कुछ पहले से ही है, लेकिन यहाँ जो यातायात की बहुलता है ट्रैफिक को देखते हुए एक आईआईटी के विशेषज्ञों ने एक इस पर अध्ययन करके सलाह दिया था और पथ चक्र बनाने की बात कही, तो उसको उसका अध्ययन किया गया और फिर यह भी देखते हुए कि पथ चक्र यहाँ पर कई मुख्य सड़क से साइड में कई जगहों पर सड़कें खुलती हैं और यातायात अनेक जगहों पर बाधित होता है, तो उसका एकमात्र उपाय था पथ चक्र, जिसका नामकरण किया गया लोहिया पथ चक्र, और उस पर राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग ने काम करना प्रारंभ कर दिया उस डिजाइन के अंतर्गत। और इस बात का भी ख्याल रखा गया था कि पटना का जो मेट्रो रेल बनेगा तो मेट्रो रेल का भी जो अलाइनमेंट होगा उसके साथ इसका एक बिल्कुल होना चाहिए तालमेल, कहीं किसी के साथ कोई उसका क्लैश न हो, विरोधाभास न हो, और उसके अलावे ड्रेनेज और सीवेज, इन सभी चीज़ों को देखकर यह डिजाइन बना है और उसके हिसाब से काम चल रहा था। लेकिन आज कल रात में जिस ढंग से वर्षा हुई है और उसके बाद यह जो देखने को मिला है, तो इसकी पूरी लोग समीक्षा कर रहे हैं। यूँ तो इस सड़क को रिस्टोर करने के लिए ये अपना काम करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई इसके लिए सिर्फ यही नहीं कि साइड के पानी से ही सिर्फ हो गया होगा, मैंने यह भी सलाह दिया है यह देखना होगा कि इसका वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है नीचे का।